नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यह समय आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ये आपकी राशि के ऑफिशियल चैनल है, तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। झूठ बेवजह दलील देता है, सच खुद अपना वकील होता है। सब खामोश है यहाँ, कोई आवाज नहीं करता, सच बोलकर कोई किसी को नाराज नहीं करता। आईना भला कब किसी को सच बता पाया है, जब भी देखो दायां तो बायां ही नजर आया है। दोस्तों, हर शख्स दोहराता है ये जुमला हर रोज की, मुझे झूठ से नफरत है, मैं परेशान हूँ ये सोचकर कि आखिर झूठ बोलता कौन है। दोस्तों, तीन चीजें अधिक समय तक छिप नहीं सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना असहमति से राय रखिए। दोस्तों, कश्तियाँ गलतफहमियों की झूठ के समंदर में कब तक बेखौफ चलेगी, डूब जाएगी खुद ब खुद ही जिस वक्त वह सच के किनारों पे मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यह समय कोई शुभ समाचार मिलने से आप खुद को भावनात्मक रूप से बहुत अधिक सशक्त महसूस करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी काम को अंजाम देने में भी आप सक्षम रहेंगे। प्रकृति आपका साथ भी दे रहा है। आपको बता दें कि आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए आप पूरी मेहनत लगा दें, इनसे दोस्तों आप अच्छी कामयाबी यश में हासिल भी कर पाएंगे। इसके साथ दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, किसी दोस्त के साथ तकरार हो सकती है। अपने स्वभाव पर यश में आप नियंत्रण रखें, कभी कभी दूसरों पर अधिकार जमाना आपके लिए भी मुश्किलें बढ़ा देता है। बातचीत करते समय जो है उचित शब्दों का चयन करें। जमीन जायदाद संबंधी कार्य जो है यश में स्थगित ही रखें, ये आपके लिए उत्तम होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों, काम के प्रति आपकी निष्ठा भी इसमें बढ़ेगी, जिसकी वजह से बड़ों की मर्जी आप पर बनी रहेगी और दोस्तों, उनके द्वारा मिले मार्गदर्शन द्वारा आप काम की जगह प्रगति आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं, ये आपके लिए इसमें बेहतर रहेंगे। युवाओं को अपने जीवन शैली पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता भी होगी। आलस्य से इसमें आप दूर रहें। जीवन को बेहतर बनाने की सोच विचार को वास्तविकता का रूप देने के लिए वर्तमान में रहने की आपको आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों, काम की दिक्कत तो आपके ऊपर रहेगी, परंतु उचित सफलता मिलने से आप थकान और तनाव को भी भूल जाएंगे, इसलिए दोस्तों काम में ध्यान को यश में केंद्रित रखें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अपनी क्षमताओं तथा प्रतिभाओं को पूरी तरह जागृत करने का समय होगा। आपको अपने व्यक्तित्व में भी निखार देखने को यश में मिल सकता है। चचेरे भाई बहनों से किसी वजह से संबंधों में खटास आ सकती है, परंतु दोस्तों, रिश्तों को इसमें मजबूत रखने में आपका प्रयास सफल भी रहेगा। नजदीकी संबंधियों के साथ कोई गेट टुगेदर का प्रोग्राम बन सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि खुद की योजनाओं पर टिके न रह पाना तथा खुद के द्वारा रखे गए लक्ष्य को अपने आलस्य की वजह से प्राप्त न कर पाना, इनकी वजह से खुद की प्रति चिड़चिड़ा आपकी बढ़ सकती है। दोस्तों, आपका बढ़ता गुस्सा नुकसान का कारण हो सकता है। खुद के प्रति अधिक कठोर व्यवहार न रखते हुए अपने लक्ष्यों को छोटे लक्ष्यों में बांटकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, इन्हें आप कर पाएंगे। जो लोग आपको मार्ग से भटका रहे हैं, ऐसे लोगों से इसमें दूरी बनाए रखें, क्योंकि दोस्तों भविष्य के लिए ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि लंबे समय से चली आ रही चिंता का यश में समाधान मिलने से आपकी मानसिक थकान मिटेगी, मानसिक शांति आपको मिलेगी। आपको बता दें कि आप अपने महत्वपूर्ण योजनाओं को कार्य रूप देने में भी इस समय सक्षम रहेंगे। युवाओं को करियर से संबंधित कोई इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल भी आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यश में छोटी मोटी बातों की वजह से किसी के साथ भी ना उलझें तथा अपने काम के प्रति ही आप ध्यान को केंद्रित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। कभी कभी आपके विचारों में जो है संकीर्णता हावी हो सकता है, इसलिए दोस्तों इसमें आत्म अवलोकन द्वारा अपनी इसी कमी को दूर करने का प्रयास करें, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे।
आज के प्रांत दोस्तों यशो में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों भावनाता होकर कुछ निर्णय लेने की वजह से लोगों के साथ आपके भले ही संबंध अच्छे न बने रहेंगे, फिर भी दोस्तों आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरों को खुश करने की कोशिश क्या आपको खुश रख सकती है या फिर खुश रख रही है, इस बात को जानने की यश में आप कोशिश करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दिन का अधिकतर समय पारिवारिक गतिविधियों तथा निवेश संबंधी कार्यों में व्यतीत होगा। यह समय दोस्तों तथा जानकारों के साथ आप समय व्यतीत करें, यह आपके लिए बेहतर होंगे। इनसे दोस्तों आपका आने वाला जो समय होगा बहुत ही मजबूत समय होगा। ये संपर्क आपके लिए उन्नति का कारक साबित होगा या फिर उन्नति का नए मार्ग यश में ये खोल सकते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों कोई पैतृक संपत्ति संबंधी मसला भी हल होने की संभावना बन रही है। इसके साथ ही दोस्तों यश में अपनी योजनाओं को पूरी तरह सोच विचार करके ही क्रियान्वित करें। जल्दबाजी में करने से दिक्कत आ सकती है, इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों और युवाओं को मौज मस्ती और घूमने फिरने में ज़्यादा ध्यान लगाने की अपेक्षा अपने जो है कार्यों पर ध्यान दें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, ये आपके लिए भविष्य के लिए जो है बेहतर होंगे। दोस्तों अगर आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तो यशमी आप याद रखें आप लक्ष्य से भटक सकते हैं। लेन देन संबंधी कार्यों को भी आप यशमी टाल दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमी आपके लिए समय होगी। आपको बता दें कि शुरुआत में ही कुछ ना कुछ नाराजगी बनी रहेगी, फिर भी दोस्तों अपने लक्ष्यों से आपको भटकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको यश में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जीवन में प्रगति ना देख पाना आपको केवल तकलीफदायक साबित हो रहा है और दोस्तों लोगों से मिल रही आलोचना भी आपके अंदर से तोड़ रही है। इसलिए दोस्तों लोगों की बातों की तरफ अधिक ध्यान न देते हुए अपने जो है काम पर ध्यान को केंद्रित रखें। और इसके प्रांत दोस्तों यशमे अगर आपके करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यशमे कार्य क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति की मदद आपकी तरक्की के लिए फायदेमंद साबित होगी। विद्यार्थी लोग अपनी नौकरी संबंधी विभागीय परीक्षा में पूरी तरह मेहनत करें, ये जो समय है आपके लिए अनुकूल परिणाम भी आपको हासिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि नौकरी में अपना टारगेट पूरा करने में कोई विशेष उपलब्धि भी आपको हासिल हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि परिस्थितियाँ अनुकूल है परंतु अपनी व्यावसायिक योजनाएँ गुप्त ही रखें। यश में बाहरी संसाधनों द्वारा अच्छे ऑर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं होने से तनाव बढ़ सकता है परंतु स्टाफ और कर्मचारियों के सहयोग से आप परिस्थितियों को संभालने में भी सक्षम रहेंगे। आपको बता दें कि करियर में पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियां भी दूर होंगी तथा स्थिरता भी यशमीन में आने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों पारिवारिक वातावरण सुखद व फिर सामंजस्यपूर्ण बना रहेगा, आपस में मनोरंजनात्मक समय व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी आप परिवार के साथ डिनर अथवा मनोरंजन संबंधी कोई प्रोग्राम भी बनाएंगे जिससे सभी पारिवारिक सदस्य खुशी हुए महसूस करेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों अपने वैवाहिक जीवन में किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दें, किसी भी पारिवारिक समस्या को आपस में बैठकर ही सुलझाने का प्रयास करें, इनसे दोस्तों परिस्थितियों को आप संभाल पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों विवाहित जीवन यश में सामान्य रहेगा, प्रेम संबंधों में कुछ तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अपने स्वभाव में मधुरता लाएं तथा एक दूसरे की भावनाओं का यश में सम्मान करें, ये आपके लव लाइफ के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों त्वचा संबंधी कोई एलर्जी की आशंका है, अधिक सर्दी या फिर खुले वातावरण में जाने से पहले अपने बचाव का पूरा ध्यान रखें, दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर साबित होंगे। आपको बता दें अगर आप इन सावधानियों को रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिर्फ बदलते मौसम की वजह से हल्की फुल्की परेशानी महसूस हो सकती है परंतु फिक्र करने की इसमें जरूरत नहीं होगी। साथ ही दोस्तों यश में अत्यधिक थकान तथा तनाव हावी होने की वजह से शारीरिक कमजोरी भी महसूस होगी, कुछ समय अपने आराम के लिए भी अवश्य निकालें, दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और दोस्तों यश में खान पान में भी सावधानी रखें, अपच तथा एसिडिटी की समस्या रहेगी, लीवर से संबंधित सावधानियों का विशेष ध्यान रखें, दोस्तों ये सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे, तो इन पर यश में आप ध्यान दें। और यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा आसमानी और भाग्यशाली अंक रहेगा 8।